विद्या भारती असम द्वारा स्वदेशी हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। स्वदेशी आचरण और स्वावलंबन के आधार पर समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण हेतु स्वदेशी संकल्प के डिजिटल हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ शिशु शिक्षा समिति असम के प्रांतीय कार्यालय से किया गया। विद्या भारती अखिल भारतीय मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री ब्रह्मजी राव, सह संगठन मंत्री डॉक्टर पवन तिवारी, उत्तर असम के संगठन मंत्री हेमंत धींग मजुमदार तथा अन्य कई कार्यकर्ता ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मालूम हो कि स्वदेशी जागरण मंच गत कई दशकों से देश भर में स्वदेशी का अलग जगाने का कार्य करती आ रही है। वर्तमान कोरोना संकट एवं चीन की चालबाजी जैसे विषयों के प्रति देखते हुए इस अभियान को और अधिक तेज करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने दूसरों संगठनों की सहायता से इसे अधिक लोकमुखी तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गत 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को रूप दिया है। इस कार्य के लिए सभी को अपने स्मार्टफोन पर joinswadeshi.com लिंक पर जाकर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, देश, राज्य तथा जिले का नाम भरकर सबमिट करना है, जिसके दबाते ही फॉर्म जमा हो जाता है तथा इस अभियान के हिस्से के रूप में जुड़ जाते हैं। अन्य दूसरे संगठनों की तरह ही विद्या भारती ने भी सभी को इस अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्या भारती असम के प्रांतीय कार्यालय में अधिकारियों ने अपने अपने मोबाइल फोन से डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा किया। साथ ही सभी असमवासियों को इस अभियान में भाग लेने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर सह संगठन मंत्री डॉक्टर पवन तिवारी ने लोगों से यह कहा कि सिर्फ हस्ताक्षर भर लेने से हमारा दायित्व पूरा नहीं हो जाता, हमें स्वदेशी को अपने दैनिक जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। गुवाहाटी से कामरूप ब्यूरो पंकज नाथ की रिपोर्ट।